प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के अंतर्गत भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं उसके क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम भाषा का अर्थ, परिभाषा आदि का अध्ययन कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम स्वरूप एवं क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम भाषा विज्ञान का अर्थ क्या है? हम भाषा का अध्ययन कर चुके हैं, तो भाषा विज्ञान का क्या अर्थ है? भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप, अर्थ और संदर्भ का विश्लेषण करता है। भाषा के दस्तावेजीकरण और विवेचन का सबसे प्राचीन कार्य 6वीं शताब्दी के महान भारतीय व्याकरण पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। इस प्रकार से देखा जाए तो भाषा विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है। अगर देखा जाए तो जैसे विज्ञान के अलग अलग शाखाओं में अलग अलग उनकी विषय वस्तु होती है और उस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, इसी प्रकार से भाषा विज्ञान में भाषा के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान के अध्येयता भाषा विज्ञानी कहलाते हैं। भाषा विज्ञान व्याकरण से भिन्न है। व्याकरण में किसी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि भाषा विज्ञान में इसके आगे जाकर भाषा का अत्यंत व्यापक अध्ययन होता है। अध्ययन के अनेक विषयों में से आजकल भाषा विज्ञान को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भाषा संबंधी इस अध्ययन को यूरोप में आज तक अनेक नामों और संज्ञाओं से अभिहित किया जाता रहा है। सर्वप्रथम इस अध्ययन को फिलोलॉजी शब्द के आगे विशेषण के रूप में एक शब्द जोड़ा गया, तब इसे कंपरेटिव फिलोलॉजी कहकर पुकारा गया। 19वीं शताब्दी तक व्याकरण तथा भाषा विषय का अध्ययन को प्राय एक ही समझा जाता था, अतः इसे विद्वानों ने कंपरेटिव ग्रामर नाम भी दिया। फ्रांस में इसको लैंग्विस्टिक नाम दिया गया। फ्रांस में भाषा संबंधी कार्य अधिक होने के कारण 19वीं सदी में संपूर्ण भारत में यूरोप में ही लिंग्विस्टिक या लिंग्विस्ट नाम ही प्रचलित रहा। इसके अतिरिक्त साइंस ऑफ लैंग्वेज, ग्लोटोलॉजी आदि अन्य नाम भी इस विषय को प्रकट करने के लिए काम ही आए। आज इन सभी नामों में से लिंग्विस्टिक्स एवं फिलोलॉजी मात्र ही प्रयोग में लाई जाती हैं। अलग अलग विद्वानों ने भाषा विज्ञान को परिभाषित अपने ढंग से किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने ग्रंथ भाषा रहस्य में लिखा है, भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। मंगलदेव शास्त्री के शब्दों में, भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहती हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अंततः भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया जाता है। भाषा का स्वरूप क्या है? ये कह सकते हैं भाषा विज्ञान का स्वरूप क्या है? भाषा विज्ञान कला है या विज्ञान? तो इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि भाषा एक प्राकृतिक वस्तु है जो मानव को ईश्वरीय वरदान के रूप में मिली हुई है। भाषा का निर्माण मनुष्य के मुख से स्वाभाविक रूप में निस्सृत ध्वनियों के द्वारा होता है। भाषा का सामान्य ज्ञान इसके बोलने और सुनने वाले सभी को हो जाता है, यही भाषा का सामान्य ज्ञान कहलाता है। इसके आगे भाषा कब बनी, कैसे बनी, इसका प्रारंभिक एवं प्राचीन स्वरूप क्या था, इसमें कब कब क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों कह सकते हैं कि इसमें कब कब क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के क्या कारण हैं, अथवा कुल मिलाकर भाषा कैसे विकसित हुई। इसी भाषा विज्ञान के विशेष रूप
अर्थात भाषा विज्ञान को आज अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय मान लिया गया है। कला का संबंध मानव जाति, वस्तुओं या विषयों से होता है। यही कारण है कि कला व्यक्ति प्रधान या पूर्णतः व्यक्तिक होती है। व्यक्ति सापेक्ष होने के साथ साथ किसी देश विशेष और काल विशेष का भी कला पर प्रभाव रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी काल में कला के प्रति जो मूल्य रहते हैं उनमें कालांतर में नए नए परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं, तथा वे किसी दूसरे देश में भी मान लिए जाएं यह भी आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति को किसी वस्तु में उच्च कलात्मक अभिव्यक्ति लग रही है तो आवश्यक नहीं कि दूसरे को भी वह इस प्रकार की लग रही हो। अतः कला की धारणा प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न हुआ करती है। कला का संबंध मानव हृदय की रागात्मक वृत्ति से होता है। उसमें व्यक्ति की सौंदर्य अनुभूति का पुट मिला रहता है। कला का उद्देश्य भी सौंदर्य अनुभूति कराना या आनंद प्रदान करना है। किसी वस्तु का तात्विक विश्लेषण करना नहीं। कला के स्वरूप की इन सभी विशेषताओं या कह सकते हैं इन विशेषताओं की कसौटी पर अगर हम भाषा विज्ञान को या भाषा को परखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि भाषा विज्ञान कला नहीं है, क्योंकि उसका संबंध हृदय की सरसता वृत्ति से न होकर बुद्धि की तत्वग्राही दृष्टि से होता है। भाषा विज्ञान का उद्देश्य सौंदर्य अनुभूति कराना या मनोरंजन कराना नहीं होता। वह तो हमारे बौद्धिक चिंतन को प्रखर बनाता है। भाषा के अस्तित्व का तात्विक मूल्यांकन करता है। उसका दृष्टिकोण बुद्धिवादी है। भाषा विज्ञान के निष्कर्ष किसी व्यक्ति, राष्ट्र या काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, तथा भाषा विज्ञान के अध्ययन का मूल आधार जो भाषा है वह मानवकृत पदार्थ नहीं है। अतः भाषा विज्ञान को हम कला के क्षेत्र में नहीं गिन सकते, क्योंकि कला के लिए जिन तत्वों की अनिवार्यता बताई गई है वह भाषा विज्ञान में नहीं होती। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान की उपयोगिता इसमें है कि वह भाषा सिखाने की कला का ज्ञान कराता है। इसी कारण स्वीट ने व्याकरण को भाषा को कला तथा विज्ञान दोनों कहा है। भाषा का शुद्ध उच्चारण प्रभावशाली प्रयोग कला की कोटि में रखे जा सकते हैं। भाषा विज्ञान को कला की सीमा में नहीं रखा जा सकता। इस प्रश्न का हमें उत्तर मिल चुका है। तो अब यह निश्चय हो जाने पर प्रश्न यह उठता है कि क्या भाषा विज्ञान भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान आदि विषयों की भांति पूर्णतः विज्ञान है? तो इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग धारणाएं दी हैं, या उनके जो विचार हैं वह इस प्रकार से है कि भाषा विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। उनकी धारणा के अनुसार अभी भाषा विज्ञान के सभी प्रयोग पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं, और उसके जो निष्कर्ष हैं या उसके निष्कर्षों को इसीलिए अंतिम निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही भाषा विज्ञान के सभी निष्कर्ष विज्ञान की भांति सार्वभौमिक
और सार्वकालिक भी नहीं है। जिस प्रकार गणित शास्त्र में दो और दो चार सार्वकालिक हैं, विकल्प रहित निष्कर्ष हैं जो सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। भाषा विज्ञान के पास इस प्रकार के विकल्प रहित निर्विवाद निष्कर्ष नहीं है। विज्ञान में तथ्यों का संकलन और विश्लेषण होता है और ध्वनि के नियम अधिकांशतः विकल्प रहित ही हैं। अतः कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा विज्ञान को मानविकी अर्थात कला एवं विज्ञान के मध्य में रखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा विज्ञान न तो पूर्णतः कला है और न ही पूर्णतः विज्ञान है, यह उन दोनों के मध्य का बिंदु है। विचार करने पर हम देखते हैं कि विज्ञान की आज की जो प्रगति में प्रत्येक विशेष ज्ञान अपने आगामी ज्ञान के सामने पुराना और अवैज्ञानिक सिद्ध होता जा रहा है। नित्य नवीन आविष्कारों के कारण आज के युग में वैज्ञानिक दृष्टि नित्य सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और नवीन से नव्यतर होती चली जा रही है। आज या कह सकते हैं कि आज के विकसित ज्ञान क्षेत्र को देखते हुए कई वैज्ञानिक मान्यताएं पुरानी और फिक्की पड़ गई हैं। न्यूटन का प्रकाश सिद्धांत भी अब संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। इससे यह सिद्ध होता है कि नूतन ज्ञान के प्रकाश में पुरातन ज्ञान भी विज्ञान के क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। अतः विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर भाषा विज्ञान को हम विज्ञान के ही सीमा क्षेत्र में पाते हैं। भाषा विज्ञान निश्चय ही एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम भाषा का विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह सही है कि अभी तक भाषा विज्ञान का वैज्ञानिक स्तर पर पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। यही कारण है कि प्रसिद्ध ग्रिम नियम के आगे चलकर ग्रासमान और वर्नर को उसमें सुधार करना पड़ा। उक्त सुधारों से पूर्व ग्रिम का ध्वनि नियम निश्चित नियम ही माना जाता था और सुधारों के बाद भी वह निश्चित नियम ही माना जाता है। इस प्रकार नए ज्ञान के प्रकाश में पुराने सिद्धांतों का खंडन होने से विज्ञान का कोई विरोध नहीं है। वास्तव में यही शुद्ध विज्ञान है। भाषा विज्ञान का क्षेत्र, मानव की भाषा का जो क्षेत्र है वही भाषा विज्ञान का क्षेत्र है। संसार भर के सभ्य असभ्य मनुष्यों की भाषाओं और बोलियों का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान केवल सभ्य साहित्यिक भाषाओं का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु असभ्य बर्बर असाहित्यिक बोलियों का जो प्रचलन में नहीं है, अतीत के गर्त में खोई हुई है, उन भाषाओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत होता है।
इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने विस्तृत रूप में भाषा विज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, भाषा विज्ञान कला है या विज्ञान, और इसी के साथ भाषा विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन किया। आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।